भाई दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा चाचा। चलो चाचा, लाल चाचा चलो। एल्विस भाई, सामने आपको दिख रहा है ये घर है, अब देखो तो क्या चीज है ये। वो सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की चौड़ाई देख लो और पीछे घर देख लो। किसका घर है? एल्विस भाई, एल्विस भाई सिंगल है इसलिए। हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं भैया के पास में। भैया समझाते हैं, भैया का नाम क्या है? पंकज भैया के पास में आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज तारीख है, बता देता हूँ आपको देख के, आज तारीख है 18 और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 3:15। हम बहुत देर से ऑटो ढूंढ रहे हैं, एक ऑटो को घेर लिया है, बड़ी मुश्किल से रुका है। देखो कैसे रोड घेर के घेरा है, पता नहीं 5 बिठाएगा या नहीं। हमने ना अपने पीजी के बाहर ऑटो बुलाया था, हम जा रहे हैं पटेल चश पराठे खाने, पीजी के बाहर ऑटो बुला। मैं बैठूंगा आगे, जगह है। लो जी बैठ गए हैं, बैठ गए। अरे रुको, अरे रुक जाओ, अरे उसे ओए अंदर हो जाओ, गिर जाएगा, बैठ ले अंदर हो जाओ, बैठ गिरेंगे अंदर हो जाओ। अरे ओली ओली बाय, अरे ओली जा रही है यार, अरे यार ओली ओली बाय, अरे नहीं नहीं आना ओली, नहीं एक मिनट रोको रोको ऑटो रोको ऑटो रोको यार, ऑटो मिल गया। देखो ऐसा था ना सीन, पीजी के बाहर बुलाया लेकिन ऊबर वाले 5 बिठाते नहीं है, तो हम पैदल पैदल ढूंढ रहे थे। अब भैया मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? कुणाल। लाल लाल नाम है, मैं पीला। लाल कहाँ से हो? बिहार। अरे चाचा, भैया बिहार से, वो भी बिहार से है तो बाहर लटका हुआ देखो। सुपरमैन देखो, क्या बात है भाई। चलो जी अब पहुंचते हैं पटेल चश, खाते हैं पराठे परूठे। देखो हाथ रखा हुआ है उसके पीछे, गिर ना जाए। सुपरमैन है, कति कति बिहार का सुपरमैन हो रहा है, करियो हाथ आगे। अरे किसके सामने नहीं बोल सकता? एल्विस भाई, भाई दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा चाचा। चलो चाचा, लाल चाचा चलो। अरे लाल चाचा तो लग नहीं रहे। लाल चाचा उम्र क्या तुम्हारी? 28। अच्छा यहीं से लेफ्ट ले लो, इधर से इधर इधर गाइस पहुंच गए ये देखो सुपरमैन। चल चल लाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया। अरे उस वाले पे करते हैं। लाल भाई चाचा नहीं है, लाल भाई है, क्योंकि लाल चाचा होते तो ये होते 38 45 साल के, अभी तो 28 के हैं। लाल भाई हैं, कति लाल भाई। कैश तो हमारे पास है नहीं, यहाँ से ट्रांसफर करके ले लेते 50 रुपए। हम लोग कैश लेके आए, ये लोग लाल भैया ऑटो वाले जो थे उन्हें लेके चाय पीना चले गए। चलो बढ़िया हो गया, दो बिहारी भाई मिल गए। भाई एल्विस भाई। लेकिन किसके सामने नहीं बोल सकते? एल्विस भाई। हम इस वक्त पटेल चश्म में है, आपको एक घर दिखाता हूँ। ये सामने आपको दिख रहा है ये घर है, अब देखो तो क्या चीज है ये। वो सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की चौड़ाई देख लो और पीछे घर देख लो। अगर इसमें मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसे भी सोना चाहे ना, मतलब अगर इसमें कोई ऐसे ऐसे भी सोना चाहे तो सो नहीं पाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या आया ये चाय? आ गई गर्मा गर्म चाय, चाय। अरे गर्म है, पकड़ियो पकड़, जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, जल्दी पकड़। ओए ओए यहाँ रख दे। भैया से डील तो हो गई है, आए भी भैया के साथ है, जाएंगे भी भैया के साथ, लेकिन ये लोग कह रहे पैदल जाएंगे। बताओ क्या करना है फिर? पैदल जाओगे? कॉलेज जाना है। 4 बज गए, तुझे कॉलेज की याद आ रही है अब? अरे पैदल जाएंगे रात में। चलो पैदल मजे करते हैं। भैया को भेज दिया, जाएंगे पैदल। मैं भी आ गई हमारी चाय तो खत्म होगी यार। क्या दिखा रहा था सर? यही आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको नॉर्थ कैंपस में आपको यहाँ पे मिलने वाली है किसका घर है ये? कौन सी सेलिब्रिटी का? आज हम लोग आ चुके हैं सेल्फ्रिटी हाउस को देखने के लिए। हर साइड सेलिब्रिटी हाउस दिखा भाई, इसमें कोई लेट भी नहीं सकता ऐसे ऐसे। किसका घर है? एल्विस भाई, एल्विस भाई सिंगल। गर्मा गर्म चाय तो पी ली, लेकिन मौसम है ठंडा तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अब लेते हैं यहाँ से स्टिंग।
लाल वाली आजकल एक ब्लू यार फिटनेस फ्रीक तो हम लोग बस स्टिंग ही पीते हैं आजकल एक ब्लू वाली स्टिंग भी तो आ रखी है अबे कत ही ऊंट हो रहा है या या अरे अरे टायर देखिए उसके अरे हेलो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी को देखने गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है चलो कोई ना अब हम चलते हैं आज हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ कैंपस में आने के बाद हम यहाँ पे कुछ खाने पीने का मात्र आपके लिए 20 रुपए इन भैया पे तो नहीं मिली इन भैया आज हम लोग आ चुके हैं भैया के पास में भैया से मिलाते हैं भैया का नाम क्या है पंकज भैया के पास में आ चुके हैं पंकज भैया के पास मिलेंगे आपके लिए स्टिंग ये लाल वाली है जो बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में आती है अरे रुक जा अरे रुक जा पेटीएम दो पेमेंट करो पहले चुप कर एक नया टैलेंट हिलाइयो कर दो अरे चुप तो कर दो मच्छर उड़ाने के लिए जो देखो इसके कान हिल रहे हैं मुंह और कान पहले जादू की और लाल इसके बाल देखो ये देखो बाल और नेचुरली है पता है ये क्या है बाल ये जैसे अफ्रीकन के नहीं होते भाई मैं बालों सिर्फ बाल कह रहा हूँ एक और टैलेंट है देखो दिखा नाक भी फुला लेता है दिखा तो अरे एक मिनट रुक तो क्या क्या कर लेता करके दिखा पहले पहले कान हिला ओए चुप तो कर हिला ये देखो हिल गए अब नाक हिलाइयो कर कती सुअर लग रहा है अबे बाहर बैठे बैठे पीजी के ओली ऐसी तो करती रहती है ये पता क्या लग रहा है गिरगिट नहीं होती वो पतली सी गाइस हो गया हमारा खाना पानी अब निकलते हैं वापस पीजी की तरफ ऑटो वाले भैया को तो भेज दिया था अब निकलेंगे पैदल 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 देखो हमें लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में 20 से 25 मिनट भाई ओली मिल गई हम ओली को छोड़ के गए थे ऑटो में बैठे थे तो ये खो गई थी और नहीं नहीं ओए भाई खुशी देखो भाई एकदम चलते चलते मिल गई देखो ये तब से पता अपना वेट कर रही थी हमें ढूंढ नहीं पा रही थी ओली बस भाई खुशी चेक करो ओली की हम ऑटो से गए थे ना तो ये छूट गई थी पीछे ये देखो और ना भाई भाई देखो मैं नई नई जैकेट पहन के आया ओली मेरे ऊपर पंजा मारा ये देखो गंदी हो गई चलो ओली अब आओ चलें चार जाएगी भाई आपने चैटिंग तो बहुत देखी होगी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह की चैटिंग देखी होगी लेकिन ये जो अपना भाई गोगोई है ना ये गूगल पे चैट करता है देखो पे और रिक्वेस्ट लिखा है ना ऊपर नाम नहीं दिखा सकते लेकिन गूगल पे बातें करता है भाई बंदा ये देखा है वो गोगोई वाला दिखाना हे गोगोई ये रहा भाई ये मैसेज पढ़ो हे गोगोई और आगे दिल गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ना दिख जाए इसलिए ये देखो टाइम हो रहा है इस समय 4:45 हम पीजी जाके सोएंगे ये भाई अभी अभी किसी पीजी से निकला है मॉर्निंग वॉक पे बस हम पीजी पहुंच गए 5 मिनट का रास्ता रह गया यहाँ से दिल्ली में काम होता है रोडों पे रात को रोडों पे मतलब डिवाइडर पे या फिर लाइटों का कोई भी काम होना होता है ना रात को होता है तो देखो रात को ऐसे करके रोड जाम कर देते हैं कुछ रोड खोल देते हैं साइड स्वीट वाली जिसने जाना है इधर उधर से चले जाए ये रोड बंद है क्योंकि सुबह दिल्ली में काम कर ही नहीं सकते ट्रैफिक इतना हो जाता है ना सुबह कि ट्रैफिक को रोक नहीं सकते तो ये देखो रोडे जाम और रात को पुलिस देखो गश्त पे निकलती है रोज भाई बहुत ही पुलिस है मतलब दिल्ली में ये बात तो अच्छी है आपको हर 3-4 मिनट में एक ना एक पुलिस की पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ी या बाइक दिख जाती है ये बात पुलिस की अच्छी है लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ कैंपस एरिया में ही ऐसा है नॉर्थ कैंपस एरिया में क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एरिया है बच्चे रात भर बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर कभी पराठे खाने चले गए कभी अगले दिन छुट्टी है तो घूमने फिरने निकल गए इस वजह से याद तो मुझे नहीं लगता बाकी दिल्ली में भी पुलिस पूरी रात ऐसे घूमती होगी जितना फ्रिक्वेंट यहाँ दिख जाती है लोग यहाँ सो रहे हैं मौसम एकदम ठंडा हो रहा है भाई इन्हें देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है हम कितनी भी शिकायतें कर लें इनसे ज़्यादा नहीं होंगी ये देखो देखो भाई बाहर ही सोए पड़े हैं कोई छत नहीं सर पे कुछ नहीं पहुंच गए भाई पीजी ओए ओली गंदी हमें से बीज ओए चप्पल क्यों मार रहा है चप्पल से नहीं इसे वो करते मसाज चप्पल चप्पल हटा पागल है क्या वो चप्पल उस पे घिस रहा है मिट्टी वाली हाँ ऐसे कर दांत देख उसके इतने ज्यादा साफ है जबकि आज तक ब्रश नहीं करा होगा देख दांत दिखाइयो अरे तू तो दिखाइयो दिखा तो खिड़की इधर से ये देख उसका भाई साहब अलग ही चमक रहे ऐसा ये वाला सीन साले सुपारी भाई अंकल की चाल देखो
भाई हमें गुड मॉर्निंग करके गए हैं ये अंकल की अच्छी बात है, हम नहीं जानते, यहाँ से कह रहे गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा तेरी वजह से करा और क्या, तुम यार समझे यार। अरे यार कोई भाई कोई मैं सोच रहा था बोलियो तो जी उठते ही एक और खबर मिली, ये जो भाई साहब देश को बचाने जा रहे थे सुपरमैन ऑटो पे लटक के, इनकी चाबी खो गई है लॉकर की, ये सारे जो लॉकर हैं सब बंद पड़े हैं इसके, ये भी बंद है ये भी बंद है, सारा मेन सामान अंदर है और चाबी गई है खो। अब फिलहाल के लिए नीचे से दो चाबी तो ढूंढ के लाया है सेम नंबर की, लेकिन 117 हाँ 117 नंबर है, लेकिन अब ये जो नंबर है ना ये फोर्थ फ्लोर का, शक्तिमान चाबी खो गई इसकी नहीं मिल रही ना, दो चाबियां मिली तो हैं सेम नंबर की, लेकिन मेरे ख्याल ये फोर्थ फ्लोर वाली चाबी है, प्रांशु ने तो बात हुई है अभी प्रांशु से ही। अब नीचे फिर से जा रहे हैं चाबी ढूंढने, आ जा भाई नीचे ना बहुत सारी चाबियां पड़ी हैं लॉकर में, मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं हर लॉकर की दो तीन चाबी तो होती हैं, लेकिन बच्चे खो देते हैं, इससे पहले जिसके पास होगी उसने भी खो दी होगी, तो दूसरी चाबी ये यूज़ कर रहा था, मेरे ख्याल दूसरी भी खो गई। अब अगर नहीं मिली तो 500 रुपये जुर्माना है, तब जाके ताले चेंज होंगे फिर नई चाबी मिलेगी। अब ना हर जगह फोन कर लिया, जहाँ चाय की दुकान पर बैठे थे वहाँ भी नहीं मिली। सचिन भाई अगर चाबी ना मिली तो क्या होगा? चाबी ना मिला तो फिर लॉक तोड़ना पड़ेगा। लॉक तोड़ना पड़ेगा तो भाई का कितना नुकसान है उसमें? हमारा नुकसान होगा, इनका थोड़ी ना होगा। ये पैसे नहीं देगा? नहीं देंगे। देंगे ना, कितने देंगे ये पैसे? देखो पैसे तो ये देखो, अब इतनी सारी चाबियों में से चाबी ढूंढनी पड़ेगी। एक बार तो वो ढूंढ गया है, सेम नंबर की दो चाबियां तो मिल गई, लेकिन वो उस लॉक में लग नहीं रही, तो मेरे ख्याल फोर्थ फ्लोर के लॉक की होगी। अब देखो इतनी चाबियों में ढूंढते हैं भाई, ऊपर वाले की कृपा रही तो मिल जाएगी। इसमें नहीं देखा? नहीं। अबे इसमें मिल सकती है। मेबी। नंबर बता पहले। 117। चलो। बहुत देर की मेहनत के बाद भी चाबी नहीं मिली, ये पुरानी वाली, ये वो वाली चाबी है जो है तो 117 नंबर ही, लेकिन पता नहीं कौन से बैठ की है, खुल नहीं रहा इससे। अब भाई को जुर्माना भरना पड़ेगा 500 रुपये। जिस मैगी वाले के पास गए थे उसको भी कॉल कर लिया, वो बोला भैया मैंने चेक कर लिया है, मेरे को कोई चाबी नहीं मिली, सेम ऐसे ही रंग का छल्ला लगा था चाबी का। अगर आप लोगों को मिले तो बता देना भाई को, भाई के 500 रुपये बचेंगे। 500 रुपये पागल है, 2 किलोमीटर की रोड है, कितनी छान लेगा? चेक कर लेते हैं। पैदल कहाँ चले अपने, तू तो सुपरमैन बिल्कुल ही। चलो भैया, नहीं चलो चाचा, यही तो दुनिया को सेव करने के चक्कर में अपनी कुर्बानी दे दी चाबी। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, 1K का गोल है जल्दी पूरे करा दो। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और ब्लॉग में, टिल देन बाय, जय हिंद।